आज के चैप्टर में ना हम लोग मोल्स में भी एंटर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्लास है आज की। अच्छा, डिफ्यूजन बेसिकली क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर आप रूम के किसी एक कॉर्नर पे परफ्यूम स्प्रे करते हो, तो यू नोटिस के आफ्टर सम टाइम परफ्यूम की स्मेल जो है वो पूरे रूम के हर कॉर्नर पे आना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं किसी भी गैस के, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और रैंडम मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि दे हैव इनफ एनर्जीज टू स्प्रेड आउट, और वो एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पहले फॉर एग्जाम्पल रूम के एक कॉर्नर पे थे मॉलिक्यूल्स, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये रूम के सारे कॉर्नर में फैल जाएंगे लाइक दिस। अभी मैं थोड़े से बना रहा हूँ, लेकिन ये बाद में, तो जब ये रूम के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे रूम में, तो हम कहेंगे कि ये डिफ्यूज हो गए। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन वो वाला रीजन होता है जहाँ पे वो ज्यादा है, दिस इज हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। लोअर कंसेंट्रेशन वो वाला रीजन होता है जहाँ पे वो बिल्कुल नहीं है, खत्म है, खाली है, दिस वॉज लोअर कंसेंट्रेशन, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। अच्छा, अब मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करते हैं, लेकिन हम लोग डेफिनेशन में ना वर्ड पार्टिकल का यूज कर रहे हैं। अब हमारी बात हो गई थी कि पार्टिकल्स, जब भी हम एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस ही कलेक्टिवली बात कर रहे होते हैं, तो हम वर्ड पार्टिकल यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अगर हम नोबल गैसेस की बात करें ग्रुप 8 में, जैसे हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टन है, आर्गन है, तो ये सारी क्या होती हैं, मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं, तो इनके एटम्स जो हैं वो स्प्रेड आउट करते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन कभी भी रुकती नहीं है, मतलब अगर ये फॉर एग्जाम्पल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो भी गए मॉलिक्यूल्स, तो दे विल कीप मूविंग, ये रुकेंगे थोड़ी। बस फर्क ये होगा कि जितने, लेट से अगर 5 मिनट में 10 मॉलिक्यूल लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो उतने ही मॉलिक्यूल राइट टू लेफ्ट भी आ जाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, दे आर मूविंग। हाउ एवर दे हैव इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देमसेल्फ, तो जो मूवमेंट है उनका, वो उनका रेट जो है वो इक्वल है। तो दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो गैसेज में भी होती है, सॉलिड भी डिफ्यूज कर सकते हैं किसी लिक्विड में, और कोई लिक्विड भी किसी डिफ्यूज कर सकता है अगर तो वो वॉलेटाइल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स की। कॉपर टू सल्फेट जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है CuSO4, और कॉपर टू सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं बेसिकली उनका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है, तो दे आर ब्लू इन कलर। अब हमने कॉपर टू सल्फेट का क्रिस्टल्स बीकर में वाटर लिया, वाटर में कॉपर टू सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दिए। अब ये क्रिस्टल्स ब्लू कलर के, हमने स्टिरिंग नहीं किया, हिलाया नहीं है इस पानी को, लेकिन थोड़ी देर बाद वी विल ऑब्जर्व कि जो कॉपर टू सल्फेट के पार्टिकल्स है ना, वो निकल के डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि डिफ्यूजन हो रही है, कि थोड़ी देर बाद इस पानी का कलर जो है ना वो पूरा ब्लू हो जाएगा। तो इट मीन्स कि कॉपर टू सल्फेट के क्रिस्टल्स निकल के डिफ्यूज हुए हैं ना। इसी तरह अगर ये आप घर पे भी करके देख सकते हो, घर पे कॉपर टू सल्फेट क्रिस्टल्स तो नहीं होंगे, लेकिन आप एक ड्रॉप ऑफ इंक, जैसे लिक्विड भी मैं कह रहा हूँ ना डिफ्यूज करते हैं, अगर आप एक ड्रॉप ऑफ इंक, किसी भी कलर की इंक जो है वो पानी में गिराओगे, तो इसको हिलाना नहीं पानी को, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे, पहले तो वो ड्रॉप ऑफ इंक एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके गिरेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ना ये पूरा स्प्रेड आउट हो जाएगा। अगर आप थोड़े ज्यादा ड्रॉप डालोगे, तो यू विल नोटिस द कलर जो है ना वो कलरलेस से ब्लू होता जा रहा है। आप हिला नहीं रहे हो, इंक के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो खुद ही रेंडमली स्प्रेड आउट हो रहे हैं वाटर के अंदर, इट मीन्स के वो डिफ्यूज हो रहे हैं। और ये काम आप इस तरह से भी करके देख सकते हो कि आप एक ग्लास में पानी लो और उस पानी के अंदर जो है ना सॉल्ट डाल के छोड़ दो, एक चम्मच सॉल्ट डाल के छोड़ दो। अब सॉल्ट वाइट होता है, लेकिन जो आप सॉल्ट डालोगे वो नीचे जाके बैठ जाएगा ग्लास में, ठीक है। आप इसको हिलाओ नहीं, स्टीरिंग नहीं करो, तो कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व ये करोगे कि सॉल्ट की जो क्वांटिटी है जो नीचे बैठी थी जाके, वो कम होना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट भी जो है ना वो डिफ्यूज हो रहा है। अगर NaCl डाला है, तो NaCl में से Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन निकल के स्प्रेड आउट होना शुरू कर देते हैं, तो दिस इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन सॉलिड भी डिफ्यूज करता है, लिक्विड भी डिफ्यूज करते हैं, और गैसेस भी डिफ्यूज करती हैं। हम लोग यूजुअली गैसेस की डिफ्यूजन देख रहे होते हैं रादर देन सॉलिड एंड लिक्विड्स। सही है, कोई सवाल यहाँ तक? नहीं सर। ओके।
अच्छा मूविंग ऑन। देखो हमारे पास क्या कहते हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या चीज होती है। देखो बेटा रेट और स्पीड ऑफ डिफ्यूजन ये मॉलिक्यूल्स कितना जल्दी मूव कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग दे आर टेकिंग फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज नोन एज स्पीड ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन। एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द मास ऑफ द गैस, हैवियर द गैस लाइटर इट डिफ्यूजेस। मतलब कोई गैस जितना हैवियर है वो उतना लाइटर डिफ्यूज करेगी या उतना लाइटर चलेगी। इसी तरह सेकेंड फैक्टर जिसपे रेट ऑफ डिफ्यूजन अफेक्ट करता है डेट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर गैस का जितना हायर होगा दे विल मूव मोर फास्टली। रीजन बीइंग बिकॉज इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस गैस मॉलिक्यूल्स मूव विद हायर स्पीड्स। इफ दे आर मूविंग विद हायर स्पीड्स इट मीन्स दे विल डिफ्यूज इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम, अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ज्यादा जल्दी जल्दी मूव करेंगे वो। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन मास एंड टेम्परेचर। अगर किसी भी गैस का मास इंक्रीज ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन या स्पीड ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगी। सिमिलरली अगर गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखनी है बस, कंसिडरिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन या स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा आप यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट गैसेस होती हैं, उन डिफरेंट गैसेस के मासेस निकालना आज हमने सीखना है। देखो ये काम जो है ना, किसी भी गैस का मास निकालना या मॉलिक्यूलर, उसको हम कहते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो मास निकालने वाला काम वैसे तो मोल्स के चैप्टर में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन सीखना है इसलिए हमने मास जो है ना यहीं पे सीखना है निकालना किसी भी गैस के। अब केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे गैसेस के केमिकल फॉर्मूला आपने याद किए थे। मैं आपको बता देता हूँ जो कॉमन गैसेस है जिनके केमिकल फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, द फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन गैस इज H2। देखो आप आयनिक कंपाउंड्स के तो फॉर्मूला बना लोगे। अगर मैं कहता हूँ कि सोडियम क्लोराइड तो उसका फॉर्मूला आप वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, यू कैन मेक द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बिकॉज इसके नाम में यू कैन हेयर कैल्शियम एंड कार्बोनेट। हाउ एवर इफ आई आस्क यू टू मेक द फॉर्मूला ऑफ वाटर, यू कैन नॉट मेक द फॉर्मूला ऑफ वाटर, यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ये आपको याद रखना है। जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। तो हम गैसेस जो होती हैं दे आर ऑल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, तो इनके सबके फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। अब गैसेस तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन सारी गैसेस के याद नहीं रखने, जो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो गैसेस हैं जो हमें बताया गया है याद करने के लिए हम सिर्फ वो याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव हाइड्रोजन गैस इज फॉर्मूला इज H2, ऑक्सीजन गैस फॉर्मूला इज O2, क्लोरीन गैस फॉर्मूला इज Cl2, ब्रोमीन गैशियस फॉर्म में इसका फॉर्मूला Br2 होता है। ये अगर नहीं लिखे हुए हैं पहले के तो अब लिख लेना अपने पास सारे। फ्लोरीन गैस F2 है, नाइट्रोजन गैस इज N2। सिमिलरली अमोनिया गैस, क्या फॉर्मूला है अमोनिया गैस का? NH3 NH3 NH3। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 CO2।
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है CO। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO3 एन ओ टू।2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन ओ। सल्फर डाइऑक्साइड, अच्छा यूजुअली एग्जामिनर गिव्स द फॉर्मूला विद मतलब नाम के साथ ही यूजुअली गिव्स द फॉर्मूला, बट समटाइम्स फॉर कॉमन गैसेस दे डू नॉट गिव द फॉर्मूला। यू आर सपोज टू नो द फॉर्मूला, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है सारे, आप रिलाई नहीं कर सकते कि क्वेश्चन में दिया वही होगा फॉर्मूला इसका, कभी दे देता है कभी नहीं भी देता। सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड इज SO3। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बहुत कॉमन गैस है, हमारे क्वेश्चंस में आती है बहुत ज्यादा। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज HCl। देन वी हैव मीथेन, इट्स फॉर्मूला इज CH4। देन इथेन, इट इज C2H6। ठीक है, और भी कुछ गैसेस हैं जिनके फॉर्मूला आप हम आगे भी याद करेंगे चैप्टर्स में, लेकिन ये कुछ कॉमन गैसेस हैं जिनके फॉर्मूला आपको अभी भी याद होने चाहिए। चलें आगे, कोई जी लिख रहा सर। है या साथ साथ लिख लिए या लिख रहे हो? मैं साथ साथ लिख रहा था, मेरा हो गया। अबे जिमल, जैनब, मूसा, आहद, मिशल, स्माइल, दानियाल, बिलाल, जी सर, मेरा हो अरुणा, गया। रामी। मैं साथ साथ लिख रहा था, मेरा हो गया। अच्छा, कुछ न्यू ज्वाइनिंग्स भी हैं यहाँ पे, उनको है न्यू स्टूडेंट आहद आई थिंक एंड स्माइल, राइट? ओके बेटा, आपसे फिर क्लास के बाद बात करते हैं। आई विल अपडेट यू द स्टेटस जो हमने पढ़ लिया है ना अब तक, क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या रह गया है, तो वो आपसे विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर क्लास। ओके, मूविंग ऑन। देखो, वी हैव टू वर्क आउट दी मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ दीज गैसेस। बेसिकली हमारे पास एक टर्म होती है रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एटम्स का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, इट इज डिनोटेड बाय दी सिंबल AR, कैपिटल A एंड स्मॉल R। R इज बेसिकली इन द सबस्क्रिप्ट, नीचे लिखा हुआ होता है छोटा सा। ये मोल्स में नहीं पढ़ते? मोल्स में पढ़ते हैं, बट आई जस्ट टोल्ड यू ना कि वी आर एंटरिंग इनटू द चैप्टर ऑफ मोल्स, ठीक है? ओके सर। लेकिन यहाँ पे हमें ना MR की जरूरत पड़ गई है, इसलिए तो ये छोड़ के जाने का कोई फायदा नहीं है आगे, अभी साथ पढ़ लेते हैं। छोटी सी चीज है, MR हम सीख लेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा मोल्स आना है इसके बाद। अच्छा, अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास यू कैन डायरेक्टली चेक फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल से मिल जाता है अगर किसी भी एलिमेंट का। इफ यू आर आस्क टू फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास, यू जस्ट हैव टू ओपन योर प्रोडक्ट टेबल, एंड फ्रॉम दिस प्रोडक्ट टेबल यू कैन इजिली टेल कि किसका क्या रिलेटिव एटॉमिक मास है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस देखो नीचे लिखे हुए इन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमने इसको दो अलग अलग नामों से पढ़ा था। इट वॉज ऑल्सो नोन एज मास नंबर एंड न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर इज द मेन नेम दैट इज बीइंग यूज्ड रिसेंटली इन द पास्ट पेपर्स। हाउएवर मोल्स में हम इसको पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से। जैसे सोडियम रिलेटिव एटॉमिक मास इज 23 एंड मैग्नीशियम रिलेटिव एटॉमिक मास इज 24, कैल्शियम रिलेटिव एटॉमिक मास इज 40। जो नीचे लिखा हुआ है ना, जो बड़ा वाला नंबर होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। दो नंबरों में से एक एटॉमिक नंबर है, एक रिलेटिव एटॉमिक मास है। And when we give it the name of relative atomic mass, we put the symbol grams with it. So 24 grams हो जाएगा magnesium का relative atomic mass. Sodium का relative atomic mass would be 23 grams. Similarly, chlorine's relative atomic mass would be 35.5 grams. ये तो relative atomic masses हैं।
कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास इज 12, ऑक्सीजन रिलेटिव एटॉमिक मास इज 16. तो ये तो आप पीरियोडिक टेबल से डायरेक्ट देख के बता सकते हो, उसका प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब व्हेन वी हैव अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, लेट्स से इफ वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो हाउ टू फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, वो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं कहलाता. दैट इज फॉर अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास. द सिंबल ऑफ इट इज एम आर. अब देखो बच्चे, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 12, एंड इन द फॉर्मूला हाउ मेनी कार्बन आर देयर, कार्बन कितने और ऑक्सीजन कितने. देखो फॉर्मूला क्या बताता है, दिस इज CO2, दिस शोज देयर इज 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, देयर इज 1 कार्बन विल मल्टीप्लाईड बाय 1. Atomic mass of oxygen is 16. So there are 2 oxygen in the formula. So we will multiply it by 2. So it would become 44 grams. So 44 gram is basically the relative molecular mass of carbon dioxide gas. Isi tarah, if I ask you to work out the relative molecular mass of ammonia, so it has 1 nitrogen and 3 hydrogen. So you just have to check atomic mass of nitrogen from the periodic table, which is 14 into 1. And hydrogen atomic mass is 1 and there are 3 hydrogen. So 1 into 3. This becomes 17 grams. So which gas is heavier, carbon dioxide or ammonia? Ammonia. Carbon dioxide. So heavier the gas, slower would be the rate of diffusion. Well, the speed of diffusion, your rate of diffusion is slower if the gas is heavier. The carbon dioxide gas is heavier than ammonia gas. And how can I say that? Because carbon dioxide gas has an MR of 44 gram and ammonia gas has an MR of 17 gram. Carbon dioxide gas is heavier, so its rate of diffusion would be slower than ammonia. Sir, are you saying MR or RAM? MR, relative molecular mass. Okay. समझ आई यहाँ तक बात? जी सर. यस सर. जी सर. आगे बढ़े. अच्छा पहले तो ना रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस निकालने की प्रैक्टिस कर लो इसके लिए. फॉर एग्जांपल सॉरी Can you open the periodic table when you give us? You want me to send you the periodic table? No. Want to say if you give us some questions, can you put the periodic table on the side? Sure. Let me give you the formula first now. Okay. Yes. Sulfur dioxide gas. Formula is SO2. Then sulfur. Trioxide gas SO3, hydrogen chloride gas HCl, ammonia gas is NH3, chlorine gas Cl2. Nitrogen gas is N2. Carbon monoxide gas is CO. ये लिख लो तो मैं periodic table खोल देता हूँ.
Then प्रोडक्ट टेबल दिखाऊं अगर नहीं है आप लोगों के पास, ये लो निकल गए सारे, जरा आंसर बता दो ताकि टैली कर लें। सर 2 मिनट्स। शुड आई टेल ऑफ द फर्स्ट वन? आंसर बताओ सर किसका? 64 grams। 64 grams फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, राइट? यस। ओके फाइन सर, हाउ 64? ओके देखो, सल्फर हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 32। हाउ मेनी सल्फर आर देयर इन दिस फॉर्मूला? 1 32 10 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। Oxygen's atomic mass is 16. How many oxygen are there? 2. If you solve this, you'll get 64. It's 64 grams. What about sulfur trioxide? Sulfur's atomic mass is 32 into 1. Oxygen's atomic mass is 16. There are 3 oxygen in the formula. 16 into 3. Becomes, kitna ban hai? 23 plus 32, it's 80 grams. What about HCl? Hydrogen's atomic mass is 1. There is 1 hydrogen in the formula. Chlorine's relative atomic mass is 35.5. There is 1 chlorine in the formula, so it becomes 36.5 grams. Nitrogen's atomic mass is 14 into 1. Hydrogen is 1. There are 3 hydrogen in the formula, so it becomes 17 grams. Catch up kar rahe ho na? Koi problem to nahi hai kisi ko isme? No, sir. Cl2 is 70, right? Yeah, Cl2 is 72. Chlorine's atomic mass is 35.5. There are 2 chlorine in the formula, so it becomes 35.5 into 2 is 71 grams. Nitrogen's atomic mass is 14 into 2, so it becomes 28 grams. Carbon monoxide, carbon ka atomic mass 12 into 1, oxygen is 16 into 1. So it also becomes 28 grams. Two gases can have the same MR. ऐसा नहीं है कि हर गैस का एक अलग ही MR होगा, ठीक है? It can be same. Let's say in this example, nitrogen and carbon monoxide gas have the same relative molecular mass. It means they are equally heavier, so their rate of diffusion would also be equal. So can you tell me which gas would diffuse fastest among all these? Sir, which sulfur gas has the fastest rate of diffusion? Sulfur it would be ammonia, right? Fastest, because it's MR is smallest. So it's the lightest. Or light, lightest, because it is the lightest gas. Which one is the heaviest? Sulfur trioxide. It would diffuse slowest. Right? Okay, what about hydrogen gas? Hydrogen gas ka MR? Hydrogen gas formula is H2.
its MR would be hydrogen's atomic mass is 1, so there are two hydrogen atoms, so that would become 2 gram. So among all these, now hydrogen is the lightest, so its rate of diffusion would be fastest. Lighter the gas, faster it would diffuse. So yeah, very simple. आगे बढ़े सर, I'm just writing. I'll be done. Okay. लिख लो जल्दी से बच्चे. Done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अच्छा, इसको हम किस तरह से कंफर्म करते हैं कि वाकई में एक्सपेरिमेंटली हाउ कैन बी प्रूव दैट लाइटर गैस डिफ्यूजेस फास्टर. लेट्स से ये जो डायग्राम बनी हुई है ना इस पिक्चर में, एट द लेफ्ट एंड ऑफ द ट्यूब देयर इज अ ग्लास ट्यूब व्हिच इज इनक्लोज्ड. एट द लेफ्ट एंड ऑफ द ट्यूब वी हैव सम अमोनिया गैस, और किस तरह से वी टुक सम अमोनिया सोल्यूशन और उसमें वी सोक्ड अ कॉटन वूल जो रुई है आपकी. Then we put it at the left hand of the tube. So, क्या होगा? Ammonia molecules will start moving from left hand to the right hand because they have to diffuse from left to right because they are in the higher concentration on the left hand side and lower concentration on the right hand side. So they will start diffusing from left hand of the tube to the right hand. On the right hand, we have put some hydrogen chloride gas. Hydrogen chloride solution लिया है, उसमें we have put some hydrogen chloride gas. Formula for the hydrogen chloride gas is HCl. So it will start diffusing towards the left hand end of the tube. So which gas is heavier and which gas is lighter, वो कैसे पता लगेगा? We have to work out their molecular masses. Ammonia's का अभी MR निकाला था ना, कितना आ रहा था? 14 into 1, hydrogen is 1 into 3, that was 17 grams. And HCl का आ रहा है, hydrogen 1 है और chlorine is 35.5 into 1. It was 36.5 gram. So obviously HCl is a heavier gas, so its rate of diffusion would be slower, whereas ammonia will diffuse faster. और जब ये move कर रहे हैं तो at certain point they will collide with each other, and when they will collide with each other they will react. They react. इसका reaction ऐसा क्यों होता है? ये तो हम बाद में पढ़ेंगे acid and bases के chapter में, but for now you should just realize that ammonia gas and HCl gas, when they're gonna meet at one point, they will react to form a salt which is known as ammonium chloride. Or ammonium chloride jo banega, it would be like a white cloud, ek ring ki tarah, smoke ki tarah ek white cloud banega, that would be visible. Dekho, ammonia gas is colorless, HCl gas is colorless. We actually cannot see ammonia gas moving or HCl gas moving. However, when they a meeting at one point they are reacting, aur jab wo react kar rahe hain to they are forming ammonium chloride which is a white cloud. So by observing this white cloud we can say now ammonia and HCl has met at a point, and this white cloud is formed more towards HCl, right hand side ke zyada kareeb hai wo. So this proves that HCl gas is diffusing at a slower rate as compared to ammonia gas, because in the same amount of time Ammonia has traveled a greater distance. नीचे देखो स्केल भी इसी वजह से लगाया हुआ है, मीटर रूल लगा हुआ है ना, टू चेक द डिस्टेंस द अमोनिया हैज ट्रैवल्ड इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू द HCl गैस हैज ट्रैवल्ड. अमोनिया गैस हैज ट्रैवल्ड एट अ फास्टर रेट, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने.
And why is that so? Because ammonia is lighter and lighter gases diffuses faster than the heavier gases. सही है, so far so good. कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर. ओके. So usually examiner asks in the question के using kinetic particle theory explain why ammonia diffuses faster than hydrogen chloride gas या किसी और दो gases के बारे में भी पूछ सकता है. The question he asks is using kinetic particle theory explain why ammonia gas diffuses faster than hydrogen chloride gas. Achha. Can anyone of you recall what was kinetic particle theory? किसी ने याद किया है या lecture से देख के बता दो. What was kinetic particle theory? क्या बताती है kinetic? Yes. Yeah, you can say. It's fine. बता दो आहत. So kinetic particle theory is the movement of particles in the solid liquids of gases. It is stronger in gases. It is faster in gases. That is diffusion. Now, kinetic particle theory. Why gas? In first place, why gas molecules move from one point to another? Because they have high energies. Yes. So kinetic particle theory actually states that gas molecules are in continuous random motion. And they move randomly in all directions. See, beta, देखो, when you have to write theoretical questions, na, structured questions, theory वाले जब questions लिखने होते हैं, तो जो question को जो demand है ना questions की, it says using kinetic particle theory. If you just say that ammonia gas is lighter, so it diffuses faster than hydrogen chloride gas, so this will earn you one mark, but this question is of 2 marks. So you have to somehow incorporate in your answer kinetic particle theory wala concept. How you can incorporate kinetic particle theory concept in this? See, kinetic particle theory states that gas molecules are in continuous random motion and they move randomly in all direction. And lighter the gas, faster it diffuses. Let me write it for you. Batata hu kaise karna hai. Gas particles are in continuous random motion due to high energies and lighter gases diffuses faster. And you can also work out the MR of ammonia gas is 17 gram and MR of HCl gas is 36.5 gram. So this calculation backs up your answer that ammonia is lighter, so that's why it is diffusing faster. सही है, 2 marks के लिए आता है ये question. अभी past papers में भी देखेंगे इसको. चलें आगे. जी सर. ओके. अच्छा देखो, इफ वी टॉक अबाउट एयर, एयर इज आल्सो अ गैस, बट एयर इज, एयर में कोई स्पेसिफिक गैस तो नहीं है ना. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस.
जैसे एयर में वी हैव नाइट्रोजन गैस, एयर इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन गैस विच इज एन टू, एयर ऑल्सो हैव ऑक्सीजन गैस ओ टू, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है दैट इज सी ओ टू, और एयर में आर्गन गैस भी होती है दैट इज ए आर. So all of these gases have different MR. Nitrogen's MR is 28 gram. Oxygen ka banta hai 2 into 16, that is 32 gram. Carbon dioxide has an MR of 44 gram. Argon has an MR of 36, I think. Just slipped off my mind. So argon has an MR of 40 gram. So if they ask about the average, because there are different gases in air, na, so air ka agar molecular mass puche to wo, it cannot be the molecular mass of air because air is not one gas, na, it is mixture of gases. So he asked about average molecular mass of air. और हम average mass इसका कैसे लेते हैं? बेसिकली देखो नाइट्रोजन इज अराउंड 78% इन एयर, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज आउट ऑफ टोटल एयर, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एयर इज आउट ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो 78% होता है. ऑक्सीजन इज अराउंड 21%, और बाकी की जो गैसेस बची हैं वो मतलब 1% में से कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, आर्गन भी आ रही होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेजेस वी वर्क आउट द एवरेज मास ऑफ एयर. Right now, I am not explaining you how to work out the average mass of air. But for this chapter, you have to remember the average MR of air jo hota hai, that is in between 28 till 29. So you can remember the value of 28.8 grams for the average molecular mass of air. Theek hai, ye value yaad rakhna hai air ki, because air is not one gas. It is a mixture of gases. So, if someone asks you whether bromine gas would diffuse faster or air would diffuse faster, you have to work out the MR of bromine gas. So Br2 is bromine ka atomic mass hota hai 80. So there are two bromine in the formula. So its molecular mass would be 160 gram. And the air's mass is 28.8 gram. So air is lighter than bromine. Air would diffuse faster as compared to bromine gas because wo heavier hai. Sahi? Aage badhe? Ji sir. Yes sir. Koi question kisi ka? Nahi. Okay, moving on. देखो हमारे पास ना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है दैट इज नोन एज पोरस पॉड, एंड पोरस पॉड इज बेसिकली यूज्ड टू डिटरमिन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैसेस, कि किसका फास्टर है और किसका स्लोअर है. So we are just comparing the rate of diffusion between two gases. Ab ye kis tarah se bana hua hota hai? There is a pot with pores in it. Isko hum kehte hain porous pot. It is somewhat like this. Iski jo walls hai na, it has tiny pores in it through which gas molecules can diffuse. They can move out of the porous pot and they can also move into the porous pot. So there are tiny holes in the porous pot through which gas molecules can move out and move in. Agar let's say I'm saying in the carbon dioxide gas hai na, so its molecules can diffuse out of the porous pot.
इसी तरह अगर पोरस पॉट के बाहर हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज इनटू द पोरस पॉट. लेकिन हाइड्रोजन गैस कैसे बाहर पोरस पॉट के हम गैदर करेंगे, हम इस पे ना एक इन्वर्टेड बीकर रख देते हैं और एनी अदर कंटेनर इन्वर्ट करके उल्टा करके इसके ऊपर रख देंगे लाइक दिस. दिस इज इन्वर्टेड बीकर, मतलब उल्टा करके रख दिया. दिस इज सिंपल बीकर दैट इज बीन इन्वर्टेड. जो अंदर वाली चीज है दैट इज अ पोरस पॉट. अच्छा, अब वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विल डिफ्यूज आउट ऑफ द पोरस पॉट बिकॉज दे आर इन हायर कंसेंट्रेशन इनसाइड द पोरस पॉट. एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे आर इन हायर कंसेंट्रेशन आउटसाइड द पोरस पॉट. दे विल डिफ्यूज इनटू द पोरस पॉट. अच्छा, बट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड बी फास्टर बिकॉज हाइड्रोजन हैज एन एमआर ऑफ 2 ग्राम वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज एन एमआर ऑफ 44 ग्राम. लेट्स से अगर मैं कहूँ ना कि राइट नाउ वी हैव 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द पोरस स्पॉट एट द स्टार्ट एंड दे आर 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आउटसाइड द पोरस स्पॉट इन द स्टार्ट. So carbon dioxide molecule will start diffusing out of the porous pot and hydrogen gas molecule will start diffusing inside the porous pot. So after 5 minutes, number of carbon dioxide molecule that have moved out of the porous pot, let's say, I'm taking an example, the carbon dioxide, ke, let's say 10 molecules have moved out of the porous pot for carbon dioxide. 10 molecules iske bahar chale gaye. To andar kitne reh gaye? 40. Is it right? Ye baat samajh aayi? Carbon dioxide 10 molecules have moved or diffused out of the porous pot. So in 5 minute baad andar carbon dioxide ke molecules are now 40. So what do you think, how many molecules of hydrogen gas would have moved inside the porous pot? Would they be in the same number or greater or lesser? The hydrogen ke molecules zyada move honge 5 minute mein andar ya kam honge ya itne hi honge? Ji, question samajh aaya kya puch raha hu? जी सर, तो आंसर बता दो ना सर. क्वेश्चन क्या है? देखो, आई वाज सेइंग इनसाइड द पोरस स्पॉट देयर आर 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, देयर वर 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आउटसाइड द पोरस स्पॉट देयर वर 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. दे स्टार्टेड डिफ्यूजिंग, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, हाइड्रोजन गैस अंदर आ रही है. आफ्टर 5 मिनट्स मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड के 10 मॉलिक्यूल्स हैव मूव्ड आउट ऑफ द पोरस पॉट एंड 40 मॉलिक्यूल्स आर इनसाइड. तो व्हाट अबाउट हाइड्रोजन गैस? क्या हाइड्रोजन गैस के भी 5 मिनट में 10 मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे या ज्यादा जाएंगे या कम जाएंगे? ये सवाल है. सर, डजंट इट डिपेंड ऑन द स्पीड एंड स्टफ ऑफ हाइड्रोजन? यस, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड. दे विल बी मोर, मोर विल गो. हां, मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल मूव इनसाइड द पोरस पॉट as compared to carbon dioxide in 5 minutes or in equal interval of time. Reason being, because hydrogen is lighter, it is diffusing at a faster rate. So in 5 minutes, if 10 molecules of carbon dioxide has moved out, so in the same amount of time, more molecules of hydrogen should be moving inside the porous pot because they are lighter than carbon dioxide. So wo ab 50 mein se, let's say 30 andar aa gaye, 30 to nahi, let's say 25 andar aa gaye हाइड्रोजन के और 25 बाहर रह गए. व्हाई आई एम सेइंग कि 25 अंदर है, व्हाई नॉट 30? बिकॉज़ वंस आउटसाइड एंड इनसाइड द पोरस पॉट इफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, सो डिफ्यूजन विल कीप हैपनिंग, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो गई है ना. तो अगर आप मजीद हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे तो कुछ बाहर भी जाएंगे बिकॉज नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इनसाइड एंड आउटसाइड आर इक्वल. सो यू कैन ऑल्सो से कि डिफ्यूजन हैज स्टॉप्ड, but actually diffusion never stops na, but as now the concentration inside and outside of hydrogen is equal, the hydrogen gas ki diffusion let's say ke stop ho gayi hai.
बट कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टिल डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द पोरस पॉट. वो कब तक डिफ्यूज होती रहेगी? जब तक कि उसके 25 के 25 बनना चले जाए, 25 अंदर रह जाए. समझ आई ये बात? लेकिन अगर अभी मैं करेंटली बात करूं 5 मिनट्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ओनली 10 मॉलिक्यूल्स हैव मूव्ड आउटसाइड, तो 40 तो अंदर हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और हाइड्रोजन के 25 अंदर आ गए. तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द पोरस पॉट आर नाउ 40 प्लस 25, तो देयर आर 65 मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द गैसेस. और आउटसाइड द पोरस पॉट 25 हाइड्रोजन के रह गए और 10 कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर हैं, तो देयर आर ओनली 35 मॉलिक्यूल आउटसाइड द पोरस पॉट. तो देयर फॉर नाउ देयर आर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द पोरस पॉट. और जब गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं कहीं पे, तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है. पहले 50 थे कार्बन डाइऑक्साइड के, नाउ दे आर 65 मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ द गैसेस. सो प्रेशर इनसाइड द पोरस पॉट इंक्रीजेस. और प्रेशर चेक करने के लिए ना हम क्या करते हैं, इस पोरस पॉट के साथ एट द बॉटम ओपनिंग ऑफ द पोरस पॉट वी प्लेस दिस ट्यूब. दिस इज नोन एज यू ट्यूब मैनोमीटर, या फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में. बट यहाँ पे आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो यूट्यूब है ना, इट हैज वाटर फिल्ड इन इट लाइक दिस. सो लेवल ऑफ वाटर, लेट्स से लेफ्ट वाले लेवल को हम एक्स कह रहे हैं, राइट वाले को वाई कह रहे हैं. सो व्हेन प्रेशर ऑन द लेवल वाई, व्हिच इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एयर, एंड प्रेशर ऑन लेवल एक्स, अगर ये इक्वल होंगे तो लेवल एक्स एंड वाई दे विल स्टे एट द सेम हाइट. However, when the diffusion has started and carbon dioxide is moving out slowly as compared to hydrogen gas which is moving in fastly, so after 5 minutes, हमारे पास क्या होगा? Number of molecules porous pot में ज़्यादा हुए हुए हैं अभी. जब तक के carbon dioxide diffuse नहीं हो जाते ना 25 molecule बाद, तो अंदर pressure ज़्यादा रहेगा gas में, जिसकी वजह से level at x will fall, नीचे चला जाएगा. Why will rise? And level at y will rise. And this confirms that outside the porous pot, jo hai, jo gas hai, it is moving or diffusing at a faster rate inside the porous pot. So the outside the porous pot, the gas present is lighter as compared to the gas present inside the porous pot. समझ आई ये बात? ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ना, ये और समझ आ जाएगी. अभी इस स्क्रीन पे जो आपको लिखना है या बनाना है वो देख लो, और फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं जरा इसके. चले आगे सर, 1 सेकंड पीछे जाए. ओके थैंक यू. ओके सर. ओके देखो, वी हैव दिस पोरस पॉट हियर. इसमें देखो, आउटसाइड द पोरस पॉट वी हैव एयर. एयर का, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस जिसका एवरेज एमआर हमने देख लिया, दैट इज 28 की वैल्यू भी याद कर लो ना तो इट वुड बी ओके. और इनसाइड वी हैव हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस का एमआर कितना आता है? 2 ग्राम. तो अंदर जो है वो लाइटर गैस है और बाहर जो है वो हैवियर गैस है. ठीक है, इनसाइड द पोरस पॉट वी हैव लाइटर गैस. तो जो अंदर वाली गैस है इट विल डिफ्यूज आउटसाइड एट द फास्टर रेट. And air that is outside the porous pot, it will diffuse inside the porous pot at a slower rate. So for a time being, हमारे पास अंदर जो है ना गैस, उसके number of moles ज़्यादा हो जाएंगे, number of molecules ज़्यादा हो जाएंगे. ठीक है, तो level at x, मतलब ये hydrogen gas जल्दी जल्दी बाहर जा रही है ना, और अंदर जो गैस आ रही है वो slowly अंदर आ रही है.
तो जब अंदर लाइटर गैस होगी तो मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएंगे, और जो अंदर आ रहे हैं वो स्लोली आ रहे हैं. तो फॉर अ टाइम बीइंग पोरस स्पॉट के अंदर, इनसाइड द पोरस स्पॉट, द प्रेशर ऑफ गैस विल डिक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर डिक्रीजिंग इनसाइड द पोरस स्पॉट, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा. जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो लेवल एक्स जो है वो राइज हो जाएगा. हाँ, आफ्टर अ वाइल एयर के मॉलिक्यूल्स भी जितने बाहर क्वांटिटी में, अल्टीमेटली दे विल मूव इनसाइड द पोरस स्पॉट. मतलब हाफ ऑफ दोस मॉलिक्यूल विल एंड अप मूविंग इनसाइड द पोरस स्पॉट. ठीक है, बट हाइड्रोजन डिफ्यूजेस फास्टर, तो वो जल्दी बाहर निकल गई है. एयर स्लोली अंदर आ रही है, तो अंदर वाला जल्दी खाली हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर इनसाइड द पोरस स्पॉट विल ड्रॉप एंड द लेवल एट एक्स विल राइज. ठीक है, देखो आपने इस तरह से याद रखना. If the air diffuses slower, right? Air diffuses slower, yes. So it is moving inside the porous spot at a slower rate. और जो porous spot के अंदर से बाहर गैस जा रही है, that is hydrogen. It is moving outside at a faster rate. तो अंदर जो है वो कम हो जाएगी. देखो आप ऐसे याद करो. If outside the porous spot we have a heavier gas and inside the porous spot we have a lighter gas. So this level at x always rises. या इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा और दूसरा केस ही हो सकता है. If inside the porous spot you have a heavier gas and outside the porous spot you have a lighter gas, so the level at x falls. X का level जो है फिर fall करेगा. बस यही दो केस आ सकते हैं. या थर्ड केस ये हो सकता है कि इफ टू गैसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द पोरस स्पॉट हैव इक्वल मासेस, जब इक्वल मासेस होंगे तो एक्स का लेवल जो है उसको कुछ भी नहीं होगा. मतलब बाहर लेट्स से गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अंदर इज नाइट्रोजन, बोथ हैव इक्वल मासेस, दैट इज 28 28. सो इफ टू गैसेस इनसाइड एंड आउटसाइड द पोरस स्पॉट हैव इक्वल मासेस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन वुड बी इक्वल. सो लेवल एट एक्स जो है उसने सेम रहना है, क्योंकि प्रेशर एट ऑल द टाइम विल स्टे सेम. ठीक है भाई? जी सर. कोई सवाल यहां तक? नो सर. ओके, जा सकते हो अब आप लोग. थर्सडे को फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे. दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, तो हमने पास पेपर्स और करने हैं इसके, देन वी स्टार्ट मोल्स. तो थर्सडे क्लास वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मोल्स जो है वो आपको पता है सबसे मुश्किल टॉपिक है केमिस्ट्री का. ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अच्छा जी.